हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रतिष्ठा और आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूं कैसे हम पा सकते हैं ये 1 रुपए की कॉफी से शाइनिंग और ग्लोइंग स्किन, जो कि आपकी जो फेस है उसको बहुत ज्यादा ग्लोइंग बना सकती है। अक्सर सर्दियों में हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है और बहुत ज़्यादा डलनेस आ जाती है, पूरा जो ग्लो है स्किन का वो ख़त्म हो जाता है। तो इस पैक से हम पाएंगे ग्लोइंग स्किन। इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसके सभी इंग्रेडिएंट्स आपके घर पर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर हम सबके घर पे होता है, ना हो तो आप किसी भी पास की दुकान पर से 1 रुपए का छोटा सा पैकेट आता है वो ले सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे हनी। शहद जो होता है हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज, ग्लोइंग और शाइनी बनाता है। तो 1 चम्मच ले लेना है हमें शहद का। और इसके साथ में अब हम लेंगे, हमारे घर में सभी के घर में मिल जाएगी शक्कर। तो जो शुगर होती है वो बहुत ही अच्छा स्क्रबिंग का काम करती है हमारी स्किन पर, जो ड्राइनेस हो गई है उसे दूर करती है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 चम्मच शुगर का, 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, 1 चम्मच हनी और 1 चम्मच शुगर। इन तीनों को अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और लास्ट में हम डालेंगे इसमें अपना मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमने यहाँ पर ले लिया है और आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। ये प्योर वाइट एलोवेरा जेल मैंने यूज़ किया है और आप चाहें तो डायरेक्ट प्लांट से भी निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। इन चारों चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है तो ये एक पेस्ट की तरह तैयार हो जाएगा। जो शुगर है उसके ग्रैन्यूल्स आपके फेस पर स्क्रब की तरह वर्क करेंगे और जो डेड स्किन है, जो आपकी स्किन कहीं कहीं सर्दियों में फट जाती है, वो सब इससे निकल जाएगी। आप इसे स्टोर कर 1 वीक तक रख सकते हैं फ्रिज में। तो इसे स्टोर अगर आप करना चाहते हैं बनाकर इकट्ठा, तो आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 1 हफ्ते तक के लिए। इसे आपको वीक में लगाना है 3 बार, मतलब 1 दिन छोड़कर आप 1 दिन इसे अप्लाई करें और आप खुद अपने फेस पर 1 हफ्ते में फ़र्क महसूस करेंगे। तो चलिए इसे दिखा देती हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। तो इसे लगाने के लिए आप नॉर्मल अपना फेस जो है वॉश कर लें पानी से और उसके बाद इस पेस्ट को डायरेक्ट अपने फेस पर अप्लाई करें। तो अप्लाई करने के लिए आपको या तो ब्रश से यूज़ कर सकते हैं या आप अपनी फिंगर से अप्लाई कर सकते हैं। आप फिंगर से जब अप्लाई करते हैं तो हल्का हल्का मसाज करते हुए इसे पूरे फेस पर जो है अप्लाई करना है, ताकि जो शुगर के ग्रेनुल्स है वो आपकी स्किन पर एज ए स्क्रब वर्क करें और जो भी आपकी डेड स्किन हो गई है वो इससे निकल जाएगी। सर्दियों में हम अक्सर देखते हैं कि लोगों के गाल, नाक सब फट जाते हैं और बहुत ड्राई खिंची खिंची से स्किन हो जाती है। वो सारी ही प्रॉब्लम इससे आपकी सॉल्व हो जाएंगी। आप इसे हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल कीजिए, 1 हफ्ते में रिजल्ट्स आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। 5 मिनट के बाद में आपको इसको वॉश करने के लिए नॉर्मल टैप वाटर से आप इसे हल्का सा मसाज करते हुए और वॉश कर लें और उसके बाद आप अपना कोई भी मॉइस्चराइजर जो आपको पसंद है वो अप्लाई कर लें और आप फर्क खुद महसूस करेंगे। आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग और ग्लोइंग हो जाएगी। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।